और आज निकलेगी अजोगी की अंतिम यात्रा। नमाखों से लोगों ने दी जाएगी बधाई। आज गुरोला में किया जाएगा अंतिम संस्कार। कल हुआ था अजोगी का निधन। आपको बता दें जोगी के निधन से शोक की लहर दौड़ गई है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सुप्रिया पांडे लाइव रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, क्या कुछ पूरी जानकारी, कितने बजे तक अंतिम संस्कार किया जाएगा और कौन कौन पहुंचने वाला है? जी आज जो है अजीत जोगी के निधन की हो चुका है। कल जो है दोपहर को अजीत जोगी का निधन हो चुका है और आज हम उनके बंगले के बाहर में खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो है लगातार जो है लोग यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है लगातार जोगी के जो समर्थक हैं और साथ ही कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, मंत्री रविन्द्र चौबे समेत तमाम मंत्रीगण और साथ ही बृजमोहन अग्रवाल, इस तरह से तमाम जो लोग हैं वो उनके अंतिम दर्शन में पहुंचे हुए हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि अजीत जोगी का जो निधन है वो 29 मई को हुआ है। और ये जानने मतलब ये चौंकाने वाली बात है कि उनकी जो उनका जो जन्म है वो अभी 29 अप्रैल को हुआ। तो 29 अप्रैल को उनका जन्म और 29 मई को उनका निधन, तो इस तरह से जो हुआ है वो एक आश्चर्य की बात जो है वो सामने आ रही है। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी के निधन के बाद जो है छत्तीसगढ़ में 3 दिन तक राजकीय शोक जो है वो घोषित किया गया है। इस तरह से जो है कार्यालय में जो झंडे हैं वो आधे झुके रहेंगे और साथ ही किसी तरह की जो मनोरंजन का काम है वो नहीं होगा। हम यहाँ पर अजीत जोगी के बंगले के बाहर में खड़े हुए हैं, आपको अंदर का नजारा दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो काफी जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर सभी को ये मास्क पहनकर अंदर प्रवेश करने की जो हिदायत है वो दी जा रही है। साथ ही उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से जो तमाम एहतियात है वो भी यहाँ पर बरती जा रही है। और उन सबके बीच जो है अजीत जोगी का जो अंतिम दर्शन है उसके लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी, जिस तरह से वाकई देखा जाए बहुत बड़ी क्षति है। और क्या लगता है अभी कौन कौन से नेता पहुंचे हैं, किस तरह का माहौल वहाँ पर बना हुआ है और क्या हालत घर वालों की वहाँ पर बनी हुई है? आप वहाँ पर पहुंची हैं, हम चाहेंगे तस्वीरें भी दिखाएं और अगर वहाँ पर कोई हो तो उनसे बात करने की कोशिश भी करें। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है तमाम नेता जो है वो कल रात को ही यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन सुबह जो है अभी उनके घर वाले मौजूद है। और यहाँ पर जो अजीत जोगी को जो समर्थक है जितने और जो भी जो है उनके गांव गाँव से दूर दूर से यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर जो है अंदर में अजीत जोगी के शव को रखा गया है और साथ ही अंतिम दर्शन के लिए काफी लोग जो पहुंच रहे हैं। एक जन सैलाब जो है वो उमड़ पड़ा है यहाँ पर और काफी जो भीड़ है वो भी देखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के बीच लोगों ने यहाँ पर भीड़ बनाए हुए हैं और यहाँ पर काफी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हमारे साथ हम कुछ लोगों से भी संपर्क करने का प्रयास जो है वो करने की प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप पहले देखिए कि हम यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है वो भी तैनात है, वो एक एक उनसे भी आप बात कीजिए क्योंकि बड़ी तादाद में सुप्रिया यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, बड़े बड़े राजनेता पहुंचेंगे, तो किस तरह के इंतजाम कोरोना से रिलेटेड भी किए गए हैं क्योंकि लगातार लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं सूख रहे हैं। जी बिल्कुल, हम पुलिस से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर मौजूद है तो हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे, संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि कितने जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है वो की जा रही है। तो हम जानना चाहेंगे किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर व्यवस्था अच्छी तरह है, सोशल डिस्टेंस अपना बना के रखे हैं और सैनिटाइजर का प्रॉपर यूज करते हैं। कितने लोग सुबह से यहाँ पर अब तक पहुँच चुके हैं? सबसे ज्यादा लोग तो यहाँ पर अभी दर्शन करके जा चुके हैं, अभी आ रहे हैं। नेता मंत्री की बात की जाए तो कल रात को पहुंचे थे, अभी कोई जानकारी है फिर अभी कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है? अभी तो कल दर्शन करके बहुत से लोग चले गए हैं, अभी आ ही रहे हैं। अभी देखो अभी किसी कोई कोई और बचे थे दर्शन के लिए, अभी तो वेट कर रहे हैं उनका। सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से ध्यान रखा गया? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वो सब मास्क लगाए हैं, उनमें उनका पालन किए जा रहे हैं और प्रॉपर तरीके से वो
सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, सभी मास्क लगा के ही अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो सुना आपने, इन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के बीच में यहाँ पर मास्क लगाकर जो सभी लोग हैं वो यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, और आपको दिखाना चाहेंगे कि कुछ ही देर में जो है अजीत जोगी के जो शव है वो यहाँ पर से रवाना हो गया, और उनकी जन्मभूमि गौरेला है वो वहाँ पर जो है पहुंचेगी, और 11 बजे के आसपास लगभग जो है उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे लोग। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार जो है वो गौरेला में होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दरवाजे हैं वो खुल गए हैं, यहाँ पर जो अजीत जोगी के जो शव है वो उनके जन्म स्थान जो गौरेला है वो पहुँचाया जाएगा, और यहाँ पर काफी जो भीड़ है वो सोशल डिस्टेंसिंग के जो भीड़ है वो बनी हुई है। तमाम लोग जो है वो मास्क लगाकर ही अंदर प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो उनके शव का जो निकलने का सिलसिला है वो अभी शुरू होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। और यहाँ पर जो उनके बंगले में दिखाना चाहेंगे कि जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्पीकर्स भी लगाए गए हैं, क्योंकि जो अपने सोशल डिस्टेंसिंग के बीच जो है वो खड़े रहे, तो इस तरीके से जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं। उनके बंगले के बाहर का ये जो नजारा है वो आपको दिखा रहे हैं। जी सुप्रिया, जिस तरह से आप बता रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग के स्टिकर्स लगाए गए हैं, पर साफ तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसका पालन नहीं किया जा रहा है। तस्वीरों में लोग पास पास खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और ये भी चीज आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से अभी सब रवाना होंगे कुछ ही देर बाद गोरिल्ला के लिए, तो कितने लोग लगभग जाएंगे और अंतिम संस्कार में कितने लोग शामिल होने की अनुमति मिलेगी? जी अंतिम संस्कार में तो लगभग 50 लोगों के ही शामिल होने की जो अनुमति है वो मिल सकती है, लेकिन अभी जो है काफी लोगों के जाने की जो सूचना है वो आ रही है, लेकिन ये बात भी सामने आ रही है कि अंतिम संस्कार में जो है कम लोग जो है वो जा सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि जो उनका जो शव जो है वो उनका जो काफिला है वो अभी कुछ ही देर में जो है वो निकलने वाला है। यहाँ पर जो तैयारियां है वो तेज कर दी गई है, जो दरवाजे हैं वो बंगले के खुल गए हैं, और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो नजारा है वो यहाँ पर बना हुआ है, उनका जो अंतिम संस्कार है वो गौरेला उनकी जन्मभूमि में ही किया जाएगा, और ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, उनके गौरेला जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर क्या लगता है लगभग और कितना समय लगेगा? प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लगभग और कितना समय लगने वाला है? जी बस कुछ ही देर की बात है, उसके बाद उनका जो काफिला है वो तुरंत निकलेगा, और अभी जो तैयारियां हैं वो चल रही है, क्योंकि उनके जो तमाम वस्तु है उनको जो एक एक करके सभी को समेटा जा रहा है, और जो कुछ लोग भी है वो भी अभी जो है मिलने के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा इंतजार जो है वो किया जा रहा है। 9 बजे का टाइम था लेकिन अभी जो है आधे घंटे लेट हो चुके हैं, तो इस तरीके से जो भी समय है वो लगातार अभी उनके मिलने वालों का सिलसिला भी जो है वो जारी है। अभी मौके पर कौन कौन से दिग्गज कौन कौन से नेता मौजूद हैं, क्या ये संभव है कि आप उनसे बात कर सकें? जी हम बिल्कुल उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन संपर्क अभी किसी से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सब अभी अंदर में ही मौजूद है और हम जोगी बंगले के बाहर में खड़े हुए हैं, तो अभी संपर्क करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम आपको बंगले के अंदर का जो नजारा है वो आपको दिखाना चाहेंगे, कि यहाँ पर जो है लोगों की जो भीड़ है वो थोड़ी सी कम नजर आ रही है। कल रात को अगर हम बात करेंगे तो कल रात जो है लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था, अभी जो अगर नेताओं और दिग्गज लोगों की बात अगर हम की जाए तो अभी की कोई जो है वो नहीं आया है अभी उनके अंतिम दर्शन के लिए। हो सकता है कि गौरेला में जो है वो सभी जो है वो पहुंचे, लेकिन कल रात जो है सभी ने उनके अंतिम दर्शन जो है वो कर चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे समेत तमाम जो बड़े नेता और मंत्री हैं वो अजीत जोगी का जो दर्शन है वो कर चुके हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुप्रिया जानकारी को साझा करने के लिए, आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे।